मार जाए। तू चिंता न करवा, मैं बड़े साहब से विनती करके मैं तुझे थाने नहीं ले जाने दूंगा माँ। अरे भैया ये पुलिस वाले आए, ये किसी की बात नहीं मानते हैं, मुन्ना मत जा। मैं साहब से विनती करूंगा माँ। साहब जी नमस्ते, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ साहब। क्या नाम है तुम्हारा? साहब मेरा नाम रंजीत कुमार है और ये मेरी माँ है साहब। रंजीत कुमार, ये तेरी माँ है? हाँ साहब। तुम्हें नहीं मालूम कि तेरी माँ कातिल है? तुम्हारे दादाजी का खून कर दिया है और खून होते समय तेरी दादी माँ अपने आंखों से देखी है, समझे? इसे खेल जाना ही पड़ेगा। और तुम अपनी मम्मी से मिलना चाहते हो, मैं केवल तुम्हें 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। तुम अपनी मम्मी से बातें कर लो और बात करने के बाद हट जाओ, मुझे मेरा काम करने दो, समझे? Oh, mommy, yeah.
आज तुम अपने बेटे को अकेला छोड़कर जेल जा रहे है माँ, ये तेरा बेटा किसके सहारे रहेगा माँ? मुझे पापा की याद आ रही है माँ। आँखों से
करके अकेले जेल जा रही हूँ, पर जाते जाते तुम्हें इतना समझा रही हूँ लाल कि मेरे लिए अपने इन कीमती आंसू को मत बहा। और इस बात को जाके अपने चाचा से जरूर कहना कि दादाजी का खून हो गया, उन्हीं के खून का झूठा इल्जाम मेरी मम्मी पर लगाया गया। पुलिस वाले मेरी मम्मी को पकड़ कर जबरदस्ती ताने लगा गए। चौकीदार, इसे हथकड़ी लगाओ। रंजीत कुमार, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? बोलो। मेरे घर में मेरे पिताजी हैं, जो बॉम्बे शहर में रहते हैं साहब, और मेरे चाचा हैं, जो जबलपुर शहर में पढ़ाई करते हैं साहब। देखो रंजीत कुमार, तुम अपने पापा या चाचा को बुलवाओ, फिर उसके बाद सोचा जाएगा, ठीक है? ठीक है। पीछे चलो। चौकीदार, चौकीदार, नगीना रानी बुलाओ। नगीना रानी हाजिर हो। कह रहे हराम जादी, दिखाई नहीं देता क्या? आधी आ गई है, मेरे सर पे आएगी। नहीं साहेब, दिखाई दे बा, लेकिन ये अगर नहीं हो हम सटक गए साहब। सटक गई, थोड़ा कायदे से चला करो, समझी? नगीना रानी, मैं तुम्हारे बहू को लेकर जा रहा हूँ। क्यों रे, क्यों चिल्लाती है? ले जाना। चुप, मैं जो कह रहा हूँ उसकी बात सुन। मैं तुम्हारे बहू को लेकर जा रहा हूँ, और जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें अदालत में आना पड़ेगा। अरे साहब, मैं कोर्ट कचहरी, थाना, अदालत, अब पुलिस से डरने वाली औरत नहीं हूँ। कोर्ट कचहरी, थाना, अदालत और पुलिस से डरने वाली औरत नहीं है, है? मैं जो कह रहा हूँ उतनी बात सुन। बिल्कुल आप साहब, इमार जी मारा करा, सुधर गई, आंसू गिर जाता, मैं ना खुल पावा। चौकीदार, बेटवाओ तोहार मम्मी जेल चली गई तो हाई के नाही हम आओ, बहुत तकलीफ है बेटवा। तोहार मम्मी रही बेचारी, सारा काम घरे का अकेले करत रही, कौनो बात नहीं बा। तोहार मम्मी जेल चली गई, तू पढ़ाई लिखाई करता है बेटवा, आपन पढ़ाई लिखाई पूरी करे, घरे काम कुछ कर पाई जी करे, केवल केवल तू घरे में खाना बनाए ले, बर्तन धोई डाया, कपड़ा ओढ़ना साफ कर ले अपना हमारा। ऐसी जब फुर्सत पा रंजीत नाती, ऐसी जब फुर्सत पा तनिक हमार हाथ पांव दबा दिया बस। कुछ ना कर अब रे, का कहे रे, का कहे, घरे काम ना करबे, खाना ना बनाओबे, बर्तन ना धोबे, बाड़ी खाबे हमारा निकाल।
तुम्हारी हिम्मत रे, तो हमारे ऊपर हाथ उठाई दे, हमें मार दे रे। मारे तो बात छोड़ दे, इज्जत हिम चाहे खिया चली जाओ, नहीं है मूड बहुत खराब। इज्जत चाहे चली जाए ना है मूड खराब, बहुत ज्यादा का करबे रे, का करबे रे, करे तो बात छोड़ दे, ना जाब तू जानी जाब, ना जाब तो जानी जाब, ले जनवाई तो ना जाब रे, ना जाब रे। जबलपुर से आने के बाद ये क्या देख रहा हूं कि आज मेरे घर का कोई नौकर नहीं दिखाई दे रहा है, और ना ही हमारा भतीजा रंजीत दिखाई दे रहा है। मैं सबसे पहले अपने भतीजे को आवाज दे रहा हूं, यदि वो घर के अंदर होगा, मेरी आवाज सुनेगा तो जरूर मेरे पास आएगा। रंजीत मुन्ना, अरे आज के पहले मैं जब भी कभी जबलपुर शहर से अपने घर ललितपुर आया करता था तो तू दौड़ कर मेरे सीने से लिपट जाता था। लेकिन आज बात क्या है बेटा, तेरे आंखों में आंसू, क्या इन आंसुओं का कारण अपने चाचा से नहीं बताएगा बेटा? क्यों रो रहा है चाचा? आज होली के त्योहार पर न जाने कौन हत्यारा बाबा जी के कमरे में जाकर बाबा जी को काट कर जुर्म में पुलिस वाले मेरी मम्मी को पकड़ कर थाने ले गए हैं चाचा। मेरी मम्मी को छुड़ा लीजिए चाचा, छुड़ा लीजिए। क्या कह रहा है तू? तेरे बाबा को किसी ने काट करके मार डाला और उन्हीं के जुर्म में तेरी माँ को पुलिस वाले पकड़ कर थाने ले गए। मेरी बात सुन मुन्ना, आज त्योहार के दिन तेरी दादी कहां है मुन्ना? कहां है तेरी दादी? चाचा,
दादी माँ घर में है, मम्मी के थाने जाने के बाद दादी माँ ने मुझे गाली दी और मुझे बहुत मारे, चाचा बहुत मारे। ये क्या कह रहा है, इतनी बड़ी मजाल उसकी कि उसने तुम्हें मारा और तुम्हें उसने गाली दिया। मुन्ना चल मेरे साथ, चल मेरे साथ, आज मैं उसे मारने के लिए और गालियां देने के लिए ऐसी सबक सिखा दूंगा बेटा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी भी। चल मेरे साथ, चल। घर का सब काम हो गया? सब काम हो गया माई। जा मेरे लिए चाय बना के लाओ, तब तक मैं आराम करती हूँ। नगीना रानी, मैं तुझसे जितनी बात पूछ रहा हूं मेरे बात का सही सही जवाब देना और झूठ बोलने की कोशिश मत करना। चल बता की बात क्या है। मेरे बाबूजी को मार करके मेरी भाभी माँ के ऊपर जुर्म लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही? चलो साफ साफ बता की बात क्या है। चल साफ साफ बता।
बेटवा सतीश। हम भगवान भोलेनाथ कसम खाए कहा था राम और राम बेटवा हो, तोरे बाबू मारे वाला दूसर क्यों नहीं, तोर भौजाई मंजू हार जाई है। हम केहू बताई बात नहीं बताओ ते बेटवा सतीश, हम खून करत अपने आंखों देखी हाल बतावा दही, तोर भौजी मारे तोरे बाबू गिरे। तो मेरे बाबूजी का कत्ल होते हुए मैंने अपने आंखों से देखा था। नगीना रानी, मैं तेरे बात को मानता हूं कि मेरे बाबूजी का कत्ल मेरी भाभी ने किया है। लेकिन एक बात तू ये बता कि तूने रंजीत को क्यों मारा, क्या गलती किया था वो मासूम बच्चा, कौन सा काम करने के लिए तूने कहा जो उसने किया नहीं, और काहे को गाल दिया। क्या गलती किया था, चलो बेटवा सतीश। जब रंजीत के मम्मी पुलिस वाले लगे जेल बंद कर दिए, हम रंजीत नाती सी कहे रंजीत नाती, देखा तो सी घरे काम से कोनो मतलब नहीं ना। तू पढ़ात लिखा था बेटवा, तू अपन पढ़ाई लिखाई पूरी करा, लेकिन केवल घरे में तू खाना बना। हाँ बेटवा, हम खाना बनवे कहे झूठ ना बोलब, हम कहे केवल घरे में खाना बनाए लिया, बर्तन साफ कर डाया, कपड़ा ओढ़ना धो लिया अपना हमारा, ऐसी जब फुर्सत पाया, भले हम जवान ही है लेकिन है रंजीतवा की दादी। हम कहे रंजीत नाती, जब सब काम का एक फुर्सत पाए बेटवा, तनिक हमार हाथ पांव दबाए दिया। आखिर कहा गलत कह दिन महारानी गाले, घरे काम करे लाए नहीं ना, योगी के साले छुट्टा घूमत बा हराम खोर। नगीना रानी, तुम्हारे बताने के अनुसार इसमें सरेआम पूरी गलती हमें रंजीत की दिखाई दे रही है। तुमने रंजीत को खाना बनाने के लिए कहा बेटवा, खाना बनवा कहे झूठ ना बोला, बर्तन साफ करने के लिए कहा, हाँ बर्तन साफ करे कहे, और कपड़ा धुलने के लिए कहा। जब सारा कमवा ऊ कई ले, तू बुजरो हिया बैठ।